Assalamualaikum everyone I hope you guys are all fine and in the best of your health welcome back to my YouTube channel and welcome back to another exciting video acha yaar maine na akal, e, akal person, story on hui Instagram pe jisme na main apna ek juicer use uh, uh, kar rahi juice मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी मुझे लिटरली इतने मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि आप ये कहाँ से लिया इसका रिव्यू दे दें ये कितने का लिया है इसमें कैसे ये यूज़ होता है ये वो इतने सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने कहा यार अभी मैं एक वीडियो बना देती हूँ हालांकि मैंने अभी यूट्यूब की कोई और वीडियो बनानी थी लेकिन जस्ट बिकॉज कि मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि माल्टो का भी मौसम है और मुझे फ्रेश ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब खाने से ज्यादा ना मुझे फ्रेश ऑरेंज जूस पसंद है ऑरेंज जिसको वैसे साबुत नहीं मैं खाती बहुत खट्टे लगते हैं मुझे तो मैंने वो स्पेशली जो है वो ऑर्डर किया था अपना जो जूसर है वो तो वो सीटरस जूसर है और अभी फिर मैं आप लोगों को ना सामने सारा यूज करके और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसका रिव्यू है आप लोग तसली से देख रहे ना भाई ऐसा ना हो कल को आप लोग ऑर्डर कर दो और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कहो कि भाई हमने रूबा पी के रिकमेंडेशन पे लिया था तो पहले वीडियो को आराम से तफसील से देख लो अगर तो आपको समझ में आती है कि हाँ यार ये परफेक्ट चीज़ है टू एक्सट्रैक्ट आउट द जूस ऑफ ऑरेंजेस तो वो आप लोग परचेज कर सकते हो तो अभी कुछ फ्रेश ऑरेंजेस मैंने जो है वो काट के रखे हुए हैं तो मैं अभी आप लोगों को साथ साथ दिखा भी देती हूँ अच्छा अभी मैंने अपने ये फ्रेश uh, ऑरेंजेस जो हैं धो uh, के ना मैं इनको स्लाइस कर रही हूँ सेंटर से और ये साथ यशन <laughs> यशन <ये> शल... <laughs> अपनी ना गाड़ी का वो ऑन कर दिया अच्छा ये हमारा जो है जूसर है इसको मैं ना पहले काट लेती हूँ अच्छे से यार ये ऑरेंजेस जो है ना बहुत ज़्यादा खट्टे खट्टे से लग रहे हैं मुझे इनकी ना बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी सी फ्रेगरेंस आ रही है एनी भाई इसको हम लोग ऐसे मैंने कहा मैं आप लोगों को ना प्रॉपर बता ही दूं आज काफ़ी ज़्यादा हो गया अच्छा ऐसे करके हमने जो है सारे ऑरेंजेस को काट लिया अच्छा अब हम लोग अच्छा ये है जी मेरी मशीन अभी हम लोग अंदर चलते हैं फिर मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ अच्छा अभी मैंने कहा मैं सुकून से बैठ के आप लोगों को बताऊँ तो ये है जी मेरा सिट्रस जूसर ठीक है इसको मैंने अभी वॉश किया और अच्छा इसके अंदर एक ये वाला आता है ये शेप ये वाली आती है इसके अंदर ये वाली लेड है ये वाली एक शेप आती है जिसके ऊपर आप अपना कोई भी सीट्रस जूस है यानी मौसमी का है ऑरेंज का है या चुकंदर वगैरह कुछ भी है तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हो उसके बाद ये इसका वो जाली सी है ठीक है वो आती है जितने भी सीट्रस जूसर है ना उसकी मशीन है ये और इसके अंदर आप इजीली पोर कर सकते हो तो ये आप ना वॉश भी बहुत आराम से कर सकते हो अब मैं आप लोगों को ना जूस जो है वो निकाल के दिखा देती हूँ आप लोग एक दफ़ा तसल्ली से वीडियो जो है वो देख लो तो फिर आप लोगों को ज़रा आइडिया हो जाएगा फिर अगर आपने लेना होगा तो फिर मैं लिंक नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग ले लेना इस तरह यहाँ पे हम लोगों ने प्लग इन कर लिया इसको और इस तरह दबा के रखना है ये ऑटोमेटिक है ये गंद भी नहीं फैलेगा कुछ भी नहीं होगा कि जूस जब वो कारपेट पे गिरा है मैंने इसके नीचे कोई प्लेट नहीं रखी हुई है और ये खुद ही रोटेट कर रहा है और ये आप लोगों के सामने है तो आप लोग ये देख सकते हो कि इसके ऊपर ये मैंने जो है वो लगा दिया है और ये कितने अच्छे से जो है वो बीज भी नहीं गिर रहे हैं प्लम गिर रहा है जितना भी प्लम है ऑरेंज का वो गिर रहा है और ये टू एंड फ्रो दोनों तरह से जो है वो रोटेट कर रहा है और ये देखें जी अंदर से सारा का सारा जो गूदा है सारा का सारा जो रस है वो इसने आराम से निकाल दिया मुझे तो लिटरली इतना शौक है ना ये ऑरेंज जूस पीने का बहुत ज़्यादा तो मेरा ये होता है कि अभी वाइटामिन सी जो है मुंह पे लगाने से बेहतर है वाइटामिन सी जो है वो पी लो <laughs> ग्लो आपके चेहरे पे खुद ही आ जाएगा तो इस तरह से हम अपना जूस जो है वो निकाल सकते हैं हाथ भी गंदे नहीं होते कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता और इजीली जितना गूदा है जितना रस है सफाई के साथ निकल भी आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है देखो अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया इसने तो मुझे तो पर्सनली ये इतना अच्छा लगा है और हाँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है ये मैंने ख़ुद परचेज़ किया है थ्री थाउजेंड रुपीज़ का दराज से इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो आप लोग वहाँ से ज़रूर सारी डिटेल्स जो हैं वो चेकआउट कर लेना और फिर मुझे बताना अगर आप लोग परचेज़ करते हो तो अच्छा इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है लाइक इसकी जो प्लास्टिक है या वो ऐसा ख़राब नहीं है कि गिरेगी तो टूट जाएगी इट इज़ वेरी गुड मतलब जैसे आज कल वेडिंग सीजन चल रहा है तो आप लोग किसी को ये गिफ्ट भी कर सकते हो तो ये तो मैंने ख़ुद पर किया है क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसी जो है ना चीज़ चाहिए थी क्योंकि मुझे ना फ्रेश जूसेस का बहुत शौक है मैंने आपको पहले ही बताया है तो ये आराम से कितने सफाई से ये जो है जूस जो है वो निकल रहा है ऑलमोस्ट मेरे सारे जितने माल्टे थे उन सब का जूस जो है वो निकल चुका है अब मैं इसको पोर कर लेती हूँ कल गया अब आप इसको लेड लगा ले, स्विच और ये देखिए कितना अच्छे से स्टोर भी हो गया इसमें और आप इजीली इसको इसमें पोर कर सकते हैं और काफी ज्यादा निकला है तो इस तरह से जनाब आप निकाल सकते हैं ऑरेंजेस ऑरेंज का जूस और वैसे तो हाथ वाले भी आते हैं मैनुअल लेकिन इतनी देर आप हाथ से यूं यूं करते रहो उसे घुमाते रहो तो हाथ दुख जाता है बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हो मेरी तरफ से तो ये मशीन जो है वो रिकमेंडेड है बहुत अच्छी मशीन है क्योंकि मैंने पर्सनली ख़ुद बाई की है तो आपको इसका जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप दराज से जो है वो बाई कर सकते हैं सो तो ये था ओवरऑल रिव्यू अगर आपको मशीन की वर्किंग और इसका ये सारा रिजल्ट जो है वो अच्छा लगे तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है शेयर करना है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर तो टिकटॉक पर लाजमी फॉलो करना है टिल देन टेक केयर अला